morning students today we will be learning a poem that is uh, chapter number 10 poem ka naam hai the birthday child now what is special about a birthday child that we are going to understand through the poem before that color the picture wali to activity hai um, this is your homework you can do it as your homework okay now let's read the poem now, let us read this poem. Everything's being different all the day long. Lovely things have happened. Nothing has gone wrong. Nobody has scolded me. Everyone has smiled. Isn't it delicious to be a birthday child? Now, this poem is written by Rose Flamen. This is Rose Flamen. इस पोएम में आपको उन सारे इवेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करा गया है जो बेसिकली एक चाइल्ड के लिए डिफरेंट होता है इस्पेशली बर्थडे चाइल्ड के लिए एवरी थिंग एवरी थिंग इज बीइंग डिफरेंट नाउ व्हाट इज डिफरेंट यूजुअली आपको बर्थडे वाले दिन आपको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है योर फादर जो है दे गिव यू डिफरेंट गिफ्ट योर मदर प्रिपेयर योर फेवरेट फूड and she both love you they cherish you on that day डे ऑल दो वो हर दिन चेरिश करते हैं but birthday वाले दिन एक special treatment होती है आप सभी के साथ आपके birthday वाले दिन ऐसा होता है right lovely things have happened पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग कुछ भी बुरा नहीं होता इवन हमें स्कोल्डिंग्स भी नहीं पड़ती हमें डांट भी नहीं पड़ती है एवरी वन हैज़ स्माइल्ड सब मुस्कुराते हैं इज इन टलिशियस नाउ डिलिशियस का मतलब बच्चों इधर है इन्जॉयबल ठीक है मतलब मज़ेदार समथिंग दैट वी कैन इन्जॉय सो ऑन आ बर्थ डे एक तो खुशी ये होती है कि हमें गिफ्ट मिलने हमारा केक आएगा और ऊपर से स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिलता है सब बहुत अच्छे से बात करते हैं स्कोल्डिंग्स भी नहीं पड़ती, सो एवरी थिंग बिकम्स सो नाइस ऑन दैट डे यही चीज़ हमने अपनी पोएम में पढ़ा है ठीक है so, सो इसीलिए पोएट क्या बोल रहे हैं एवरी थिंग बींग डिफरेंट ऑल द डे लॉन्ग लवली थिंग्स हैव हैपन सारे दिन अच्छी चीज़ें होती हैं नथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग कुछ भी गलत नहीं होता नो बडी हैव्स गोल्डेड मी मुझे किसी ने डांटा नहीं एवरी वन हैव स्माइल्ड सब कोई मुझे देख के क्या करते हैं स्माइल इज इंट इज इज इंट इज डिलिशियस हेयर डिलिशियस इज इन्जॉयबल इज इंट इज रियली एन्जॉएबल कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ टू बी अ बर्थडे चाइल्ड सो वॉट द पोएट इज इन्जॉइंग इज टू बी अ बर्थडे चाइल्ड क्योंकि उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है तो एक बर्थडे चाइल्ड होने की बात को वो बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहे हैं एंड डू रिमेंबर द पोएट्स नेम पोएट कौन है हमारा रोज फ्ले मैन